गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर तनु और आप है तनुश्री के साथ। आज है वेडनेसडे और आज ऑफिस नहीं गई हूँ किसी रीज़न के वजह से, तो इसलिए आज घर पे हूँ। सोच रही हूँ कि ब्लॉग कर रही हूँ और साथ म्यूज़िक। तो मैं आर्यन के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो आर्यन पूरा रेडी हो गया है और टाटा स्कूल जा रहा है, पापा उसे छोड़ के आते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी चिकन करी, तो उसके लिए मैंने पोटैटोस को फ्राई कर रही हूँ थोड़े से नमक और हल्दी देकर। वहाँ पर पोटैटोस फ्राई हो रहा है और यहाँ पर मैंने कपड़े को वॉश करने के लिए दिया है मशीन में। तो पोटैटोस फ्राई हो चुका है और बाकी जो ऑयल है उसमें मैं डालूँगी गोटा गरम मसाला। और इसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ प्याज। इसको थोड़ा फ्राई कर लूंगी, ज़्यादा नहीं, जस्ट रेड होने तक। और इसमें मैं नमक मिला दिया है क्योंकि नमक देने से जल्दी प्याज पक जाता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ दो बे लीव्स और प्याज थोड़ा फ्राई हो चुका है। और अभी मैं इसमें डाल दे रही हूँ मसाला। मसाला में है तीन मीडियम साइज प्याज, अदरक और है लहसुन, ठीक है। और उसी में मैंने डाल दिया था ग्रीन चिलीज। और इसी मसाला में मैं मिला रही हूँ कटा हुआ टमाटर, तो ये मसाला पक जाने तक ये टमाटर भी गल जाएगा। तो यहाँ पर है चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से धो के फिर इसमें दो चम्मच क्यूमिन पाउडर, दो चम्मच कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और मैंने नमक और शुगर मिला कर दिया है, मैरिनेट करके रखा है। और ये हाफ एन आवर पहले ही मैंने ये प्रोसीजर करके रखा है। तो मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है क्योंकि इससे ऑयल भी निकल गया है। तो मैं मसाला में अभी ऐड कर दूंगी मैरिनेट किया हुआ चिकन को। और चिकन रेड रेड लग रहा है इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर मिलाया है। तो वैसे तो हम लोग चिली पाउडर ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन चिकन में थोड़ा सा कलर के लिए मैं ऐड करती हूँ, वो तो कलर बहुत अच्छा आता है। और मसाला भी देखिए थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन है, वो इसलिए है क्योंकि मैंने ग्रीन चिली को पेस्ट करके दिया था, तो इसीलिए है। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी दही को। दही को मैंने फेंट कर फिर ऐड किया है। सीजन में मिलता है ये न्यू पोटैटोस। पोटैटोस तो मेरा हमेशा ही बहुत फेवरेट है, लेकिन न्यू पोटैटोस उससे भी ज़्यादा फेवरेट है। खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आता है इसके साथ। तो मैं क्या करती हूँ, बाजार से लाने के बाद इसको अच्छे से धो के वॉश करके फिर मैं इसको बास्केट में रखती हूँ, नहीं तो उस बास्केट भी गंदा हो जाता है। तो चिकन से भी ऑयल निकल गया है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पोटैटोस को। तो पोटैटोस ऐड करने के बाद थोड़े टाइम कुक करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से पानी। तो जितना ग्रेवी लगेगा उसके अकॉर्डिंग मैं पानी को ऐड करूँगी। और पानी को गर्म करके ही चिकन में ऐड करना चाहिए, तो मैं हॉट वाटर ही ऐड करूँगी।
तो चिकन रेडी हो गया है और मैं इसमें अभी मिला रही हूँ गरम मसाला। तो गरम मसाला को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो क्या होगा, गरम मसाला का जो स्मेल है वो भी चिकन के अंदर चला जाएगा। तो रेडी हो गया है चिकन। तो मेरे हस्बैंड ने बाजार से लाए है ये बड़ा बड़ा सा मूली। तो मूली का जो लीफ होता है ये बहुत हेल्दी होता है, लीवर के लिए तो बहुत अच्छा होता है। तो एक्चुअली जब भी ये मूली लाते हैं और इसका लीफ जब भी ग्रीन होता है, फ्रेश होता है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको भी शाक बना लेती हूँ, सब्जी कर लेती हूँ इसका। अरे लोग इसको फेंक देते हैं लेकिन ये बहुत हेल्दी होता है। जब भी ये ग्रीन और फ्रेश मिलेगा तो आप इसको मत फेंकिए और इसको बनाइए। तो आज मैं वही दिखाऊंगी कैसे इसको बनाते हैं। फर्स्ट आप इसका जो लीफ है इसको आप तोड़ लीजिए डंडे से। तो मैं इस साग को अच्छे से धो लिया है और इस साग को नरम करने के लिए थोड़ा सा नमक दे के इसको अच्छे से रगड़ना होता है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको पहले धोने के बाद छोटा छोटा पीसेस करके काट के फिर इसको रगड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पहले नमक दे के रगड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा पीसेस करके काट लेती हूँ। लेकिन इसको रगड़ने से इसका जो कड़वा जूस निकलेगा, इस साग थोड़ा कड़वा होता है तो वो जूसी हेल्दी होता है। तो बहुत सारे लोग उसको फेंक देते हैं लेकिन मैं क्या करती हूँ, उसका जो जूस है वो साग बनाने के टाइम उस साग में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि साग कुक होने में थोड़ा टाइम लेता है तो इसलिए थोड़ा पानी इस साग में देना पड़ता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसका जो ग्रीन वाला जूस निकलेगा उस जूस को ही ऐड कर दूँगी साग में, ठीक है। अगर आपको कड़वापन अच्छा लगता है तो आप खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, और नहीं तो फिर आप इस जूस को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए इसको अच्छे से रगड़ने के बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है और ये ग्रीन वाला जूस मैं नीचे एक बोल में मतलब रख रही हूँ। तो कपड़ा भी धुल चुका है और मैं इसको धूप में दे रही हूँ। अभी मैं बनाऊंगी मूली साग। तो कढ़ाई गरम हो चुका है और उसमें मैं डाल दिया है व्हाइट ऑयल। तो ऑयल भी गर्म हो चुका है और इसमें मैं डाली हूँ 4-5 पीसेस लहसुन। तो इसको मैंने थोड़ा सा पेस्ट करके डाला है और इसमें मैं डाल दिया है साग को और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी दे के फिर मैं इसको फ्राई करूँगी।
पास हो गया है लंच और अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद जाऊँगी मार्केट में। बहुत लेट हो गया था आज लंच करना, मैं जब घर पे रहती हूँ तब लेट ही हो जाता है, मैक्स तीन साढ़े तीन कभी कभी तो चार भी बज जाता है, तो बहुत लेट हो जाता है, पता नहीं किसी तरह एडजस्ट नहीं कर पाती। एक्चुअली लेट से ही उठती हूँ, जब छुट्टी होता है ना तो बहुत लेट से उठती हूँ, तो हर एक काम लेट हो जाता है, तो बहुत लेट हो जाता है, वही बहुत लेट हो गया है एज यूजुअल। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगी फिर जाऊँगी, अरियान आने वाला है तो उसको खिलाकर फिर जाऊँगी। और मैं टेरेस पे आऊँ और अपने प्लान को ना देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए देख लेती हूँ मेरा प्लांट, ये मेरा प्लांट रोज, पानी भी देना होगा, ये है पिंक हिबिस्कस, इसके बाद भी आ गया है रेड फूड, क्यों हो रहा है पता नहीं, आप लोगों को अगर पता है इसके बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये पुदीना का पौधा मतलब लाल लाल क्यों होता है हो रहा है, ये इस टॉप में ही सिर्फ लाल लाल हो रहा है लेकिन इस टॉप में बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा है। देखिए एक ही साथ ही मैंने लाए थे पुदीना और उसको ही मैंने इतना किया है, और यहाँ पर देखिए छोटा छोटा भी इसमें भी उगा है छोटा पुदीना का पौधा, लेकिन इस कॉप में जो है वो रेड रेड क्यों है। आर्यन भी आ गया है स्कूल से, तो ये देखिए मैं क्या क्या लाई हूँ। तो एक्चुअली मैंने स्पाइसेस लेने गई थी तो स्पाइसेस लाई हूँ घर के लिए, और ये एक मैट लिया है, ये बिग बाजार से लिया है, ये है एंटी स्लिप मैट रोल, तो आप ये बहुत अच्छा है काम का है, तो ये इसको आप टेबल में पढ़ सकते हैं या फिर सोकेस में पा सकते हैं या फ्रिज के ट्रे में पा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और मैंने लिया है एक आइसक्रीम स्कूप,
ये दोनों चीज़ें लिया है बिग बाज़ार से, और पास में एक और शॉप है तो वहाँ से मैंने हर स्पाइसेस को लिया है। ये आइसक्रीम स्कूप मुझे बहुत पसंद आ गया है तो मैंने ले लिया। है गाइस, तो इस ब्लॉग को अभी यही तक करती हूँ खत्म। अगर आपको इस ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास में होता है बेल आइकन, उसको डबल क्लिक कर लीजिए तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आप जरूर कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।